हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? तो आज हम सर्दियों में बनने वाले मेथी पराठे की रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर मेथी को अच्छी तरह से धो के कटिंग कर लिए हैं। अब इसमें आटा डाल दे रहे हैं और इसमें जमाइन, मंगरेला, गोलकी पाउडर, हल्दी पाउडर और थोड़ा सा घी और नमक स्वाद अनुसार डाल को अच्छी तरह से इसको आटा की तरह लोई तैयार कर लेना है। यहाँ पर सारे सामग्री हम डाल दे रहे हैं, आप भी डाल दीजिएगा। और यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा लाल मिर्च भी लिए हैं ताकि टेस्ट अच्छा लगे, और हल्का सा गरम मसाला। इसे आप अचार के साथ, सॉस के साथ या सब्जी के साथ भी खा सकते हैं, या कहीं भी आप जा रहे हैं तो टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है और सर्दियों के दिन में खाने में बहुत अच्छा, बहुत फ़ायदेमंद है। मेथी ऐसे भी बहुत फ़ायदे का चीज़ होता है, तो इसे खाना चाहिए। और ठंड के दिन में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो यहाँ पर हम आटा को सान लिए हैं और देखिए, रोटी का शेप दिए हैं। आप चाहे तो पराठा, पूड़ी, कुछ का भी शेप दे सकते हैं। और इसे घी या रिफाइंड या तेल से दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लीजिए और ये बहुत टेस्टी लगता है और घर में सभी को पसंद आते हैं। तो ज़रूर एक बार बनाइएगा। और मेरे चैनल पर रेसिपी आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे। और मेरा डेली ही आता है इस चैनल पर रेसिपी, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचे। यहाँ पर देखिए कितना अच्छा से लग रहा है और सारा रोटी हम बना के तैयार कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।